We start with the mouth part of honeybee. बेटा हनी बी जड़ी है उदा माउथ पार्ट जड़ा है वो चूइंग एंड लैपिंग टाइप का हुंदा है और ये तनु ख्याल रखना पड़ेगा और याद रखोगे तुसी कि जड़ियाँ चूइंग ते लैपिंग माउथ पार्ट है वो वर्कर हनी बीज का हुंदा है क्योंकि वर्कर्स हनी बीज आर परफॉर्मिंग द फंक्शंस ठीक है ना सो जड़ियाँ वर्कर हनी बीज ने वो सारा ही पोलन ग्रेन हनी इकट्ठा करना नेक्टर्स कलेक्ट करने हाइव नू सेव करना क्लीनिंग करनी प्रोटेक्शन करनी ये सारा वही काम करते हैं सो इस करके दे आर यूज टू कलेक्टिंग एंड नेक्टर एंड मोल्डिंग वैक्स सो इस करके ये कुछ मोडिफिकेशन ने इस काम करने वास्ते वो किस तरह दिया ने बेटा कि आप जिमें सारे पढ़े सी पिछे के लेबरम पेयर ऑफ मैंडिबल पेयर ऑफ मैगजिली सैकेंड पेयर ऑफ मैगजिली दैट इज़ कॉल्ड लेबियम एंड हाइपोफायरेंक्स ये पार्ट्स होंगे ने हुण मोडिफिकेशन की होंगे ने लेबरम एंड मैंडिबल्स आर ऑफ चूइंग टाइप लेबरम ते मैंडिबल्स ठीक है ये की है लेबरम देखो ते मैंडिबल लेबरम केड़ा है अपर लिप करने ठीक है सो दैट इज़ अ एंड मैंडिबल दैट इज चूइंग टाइप है बट मैगजिली एंड लेबियन आर मोडिफाइड फॉर कलैक्टिंग नैक्टर्स ठीक है तुहाडी बुक का ही डायग्राम है ध्यान नाल देखो सो हेयर लेबरम जड़ा है हेयर एंड मैंडिबल्स ये की है सिर्फ चूइंग टाइप के ने दैट मीनस मोडिफिकेशन किस च हो रही है दैट इज़ मेजर मोडिफिकेशन इज अकर इन द लेबियम एंड मैगजिली मैंडिबल आर स्मूथ एंड स्पैचुलेट सो मैंडिबल जड़े ने वो देखो कि वह की है स्मूथ है तो स्पैचुलेट ने हाँ देखो क्लीयरली एंड दैन लिप जड़ा है एंड द दीज मोल्ड द वैक्स टू बिल्ड द हाइव मैगजिली लैक हूँ देखो की चीज़ लैक है ये याद रखना कि चीज़ लैक है मैगजिली दे विच जड़ी है पढ़े सी प्रोटोपोडाइट एंडोपोडाइट एक्सोपोडाइट एंड फिर क्या सी कि दैट वॉज दे हैविंग अ स्ट्रक्चराइजेशन मैगजिली लैक लाइसीनिया है वेस्टिजियल पेल्प एंड बियर लोंग ब्लेड गेलिया देखो आ गेलिया है दैट मीनस सानू ना तो प्रोटोपोडाइट प्रॉपरली दिख रहा ना ही एंडोपोडाइट एंडोपोडाइट लाइसीनिया एबसेंट है तो गेलिया प्रेजेंट है ठीक है सो ये मेन पॉइंट जिहड़ा है तुसी याद रखना है कि हेयर इज गेलिया इज मॉडिफाइड इनटू अ ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर एंड वेयर एज पेल्पाई है मैगजिली पेल्पाई वो की है वेस्टिजियल ठीक है नाउ लेबियम ये सारा दा सारा स्ट्रक्चर आप लेबियम दे दुआले घूमता है एंड लेबियम हेयर इज मॉडिफाइड इनटू अ स्ट्रक्चराइजेशन ये देखो लेबियम इज इलोंगेटेड देखो ये लिखो ध्यान ना ये लेबियल पेल्पाई है ये ग्लोसा है पर जिहड़ा आ नाल डायग्राम बनया ये हर वारी तुसी जरूर बनाना है क्योंकि ये तो क्लीयर कट पता लगता है कि ये की स्ट्रक्चर है हियर द लेबियम हैज इलोंगेटेड पेल्प रिड्यूस्ड पैराग्लोसा एंड इलोंगेटेड कर्व्ड ग्लोसा यूनाइटेड टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर टंग हैविंग हनी स्पूर और लेबियम ठीक है लेबियल पेल्पाई क्लियर लॉन्ग है बट हेयर द पैराग्लोसा इज ऑलमोस्टली रिड्यूस्ड बट जो ग्लोसा है वह कि दोनों साइड वाले इकट्ठे होके ठीक है दोनों इधर वाला ग्लोसा भी इधर वाला ग्लोसा भी इकट्ठे होके उन्होंने कि सेंटर एक रेक्टेंगुलर जी है स्ट्रक्चर बना लिया तो वो हेठले पास एक सानू की एक हनी स्पून जिसमें कोई लैबिलम कहा जाता है वह दिखता है द गेलिया एंड लैबी लेबियल पेल्प वैन टूगैदर ब्रॉड टूगैदर फॉर्म अ लोंग होलो प्रोबोसिस विच कैन इंसर्ट डीप इन टू द करोला ऑफ द फ्लावर नैक्ट्रा ड्रॉन अप द प्रोबोसिस बाय बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द टंग देखो हम इस आप देखते हैं हाँ देखो एक जड़ा है लेबियल पेल्पाई है एक ग्लोसा है इन्होंने रल के जी है फूड चैनल की फॉर्मेशन कर ली हुई है ताकि जड़ा है प्रॉपरली जी फॉर्मेशन देखो अगेलिया है ठीक है
ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਗਲੋਸਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਲੇਵਰ ਸੋ ਇੱਕ ਫੂਡ ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਆਫ ਦਾ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਇੰਗ ਵਨ ਟੂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰਟੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਡੀਬਲ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂ ਆ ਮੈਗਜ਼ੀਲੀ ਲੇਬੀਅਲ ਪੈਲਪਾਈ ਐਂਡ ਗਲੋਸਾ ਦੇਖਾ ਉਹ ਲੈਬੀਲਮ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਮਾਊਥ ਪਾਰਟ ਆਫ ਹਨੀ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਊਥ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮੋਸਕੀਟੋ